हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम क्लास। तो आज मैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है या इसे वृहत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। आज हम इस सब्जेक्ट से आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। समष्टि प्राक आर्थिक सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला यहाँ पर आय व रोजगार का सिद्धांत। तो किसी देश का आय व रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग द्वारा निर्धारित होता है। प्रभावपूर्ण मांग क्या है, तो प्रभावपूर्ण मांग बराबर होता है कुल उपभोग मांग प्लस कुल विनियोग मांग। प्रभावपूर्ण मांग में उच्चावचों के कारण ही विकसित देशों में व्यापार चक्र जन्म लेते हैं। इसके अंतर्गत दो सिद्धांत, जिनमें पहला है उपभोग फलन का सिद्धांत, दूसरा है विनियोग फलन का सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत दो सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत चार सिद्धांत आते हैं, जिनमें पहला है आय व रोजगार का सिद्धांत। आय व रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत भी दो सिद्धांत आते हैं, जिसमें उपभोग फलन का सिद्धांत और विनियोग फलन का सिद्धांत आते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा सिद्धांत है सामान्य कीमत स्तर तथा कीमत स्फीति का सिद्धांत। तीसरा है आर्थिक विकास का सिद्धांत। चौथा है वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत। इसके बाद दूसरा टॉपिक यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर तथा कीमत स्फीति का सिद्धांत। यह क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र कीमतों के सामान्य स्तर के निर्धारण का भी अध्ययन करता है और यह स्पष्ट करता है कि स्फीति, देखिए स्फीति शब्द आपके सामने बार बार आएगा, तो इसका अर्थ होता है वृद्धि। आपको याद रखना है कि स्फीति का अर्थ वृद्धि से होता है। तो यह स्पष्ट करता है कि स्फीति किन कारणों से उत्पन्न होती है। अब तो कीमत स्फीति का यानी कीमत की वृद्धि का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है, तो समष्टि अर्थशास्त्र की एक विशेष और महत्वपूर्ण शाखा जिसका हाल ही में विकास हुआ है आर्थिक विकास का सिद्धांत है, जिसको संक्षेप में विकास का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। चौथा है वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत। तो वितरण के समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण सामग्री है। रिकार्डो मार्क्स, कार्लडोर, अलेक्की, कीन्स आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित वितरण के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की परिभाषा अपने शब्दों में दीजिए। तो राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय व्यय के पर्यायवाची के रूप में भी जाना जाता है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश से आशय वस्तु एवं सेवाओं के उस प्रवाह से हैं जो किसी राष्ट्र को एक वर्ष के दौरान उपलब्ध होता है, अर्थात किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं व सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसका अर्थ सिंपल भाषा में होता है कि किसी देश को एक वर्ष के दौरान प्राप्त आय को उसकी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP में मूल्यह्रास जिसे डिप्रिसिएशन कहा जाता है एवं पुरानेपन से होने वाला ह्रास जिसे ओब्सोलेसेंस कहा जाता है, घटा देने से जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP कहते हैं। इसे बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में हम लिख सकते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास, जिसे हम लिख सकते हैं कि NNPATMP इक्वल टू होता है GNP माइनस डिप्रिसिएशन। तो इस सिंपल से सूत्र से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा चालू उपभोग एवं चालू प्रतिस्थापन निवेश यानी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुल उत्पादन में वृद्धि को स्पष्ट करती है तथा आर्थिक विकास के लिए पूंजी की भौतिक उत्पादन में विशुद्ध वृद्धि को प्रदर्शित करती है। ये गुण इस धारणा को विकास अर्थशास्त्र के लिए अत्यधिक उपयोगी बना देते हैं।
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय आय लेखांकन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक परिस्थितियों को समझने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संबंधों को सांख्यिकीय वितरण के रूप में प्रस्तुत करने की एक विधि है। इस विधि द्वारा समाज की जानकारी को प्रस्तुत किया जाता है। यह केवल इसकी भूत या वर्तमान की समृद्धि की रूपरेखा जानने के लिए ही नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित या नियंत्रित करने हेतु दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जेबी से का बाजार नियम क्या है? आपके एग्जाम में केवल से का नियम भी पूछा जा सकता है कि से का नियम क्या है, तो आपको इसे पढ़कर जरूर जाना है जिससे आप एग्जाम में विचलित न हों। तो जेबी से का बाजार नियम क्या है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है। जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन करने वाले उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को पुरस्कार दिया जाता है। उत्पादन बढ़ने और इसलिए साधनों की मांग में वृद्धि होने से जब साधनों की आय में वृद्धि हो जाती है तब उत्पादित वस्तुओं के लिए मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार बढ़ी हुई पूर्ति स्वतः अपनी मांग का सृजन कर लेती है। प्रोफेसर से के ही शब्दों में, यह उत्पाद ही है जो वस्तुओं के लिए बाजार प्रस्तुत करता है। इस संबंध में प्रोफेसर जे एस मिल ने कहा है, उत्पादन ही एकमात्र मांग का कारण है। जब पूर्ति में वृद्धि होती है तब उतनी ही मांग में भी वृद्धि होती है। इसलिए उन्होंने कहा था, वार्षिक उत्पादन चाहे कितना भी हो वह वार्षिक मांग से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उपभोग फलन का क्या अर्थ है? तो उपभोग फलन अथवा उपभोग प्रवृत्ति आय उपभोग संबंध को दर्शाता है। यह कुल उपभोग तथा समस्त राष्ट्रीय आय इन दो समूहों के बीच फलनात्मक संबंध है। प्रतीकात्मक रूप से इस संबंध को इस प्रकार प्रकट किया जाता है कि C इक्वल टू F ब्रैकेट में Y। यहाँ C उपभोग है, Y आय है तथा F फलनात्मक संबंध है। इस प्रकार उपभोग फलन C तथा Y के बीच फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है, जहाँ C आय Y पर निर्भर है और Y एक स्वतंत्र चर है, अर्थात C को Y निर्धारित करता है। यह संबंध इस धारणा पर आधारित है कि अन्य बातें समान रहती है, इसलिए केवल आय उपभोग संबंध पर ही विचार किया जाता है और उपभोग पड़ने वाले सभी प्रभावों को स्थिर मान लिया जाता है। तो यही उपभोग फलन का अर्थ होता है। नेक्स्ट पर, उपभोग फलन के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, उपभोग फलन के निर्धारक तत्व कीन्स ने दो प्रमुख निर्धारक तत्व बताए हैं जो कि उपभोग फलन को प्रभावित करते हैं और उसकी ढलान तथा स्थिति को निर्धारित करते हैं। वे इस प्रकार है, पहला यहाँ पर व्यक्तिपरक तत्व यानी सब्जेक्टिव फैक्टर्स और दूसरा है वस्तुपरक तत्व यानी ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो व्यक्तिपरक तत्व क्या है इसके बारे में देखते हैं कि व्यक्तिपरक तत्व आर्थिक व्यवस्था के आंतरिक तत्व होते हैं। इनमें मानव प्रकृति की मनोवैज्ञानिक विशिष्टताएं, सामाजिक व्यवहार तथा संस्थाएं और सामाजिक प्रबंध शामिल हैं। समय की अल्प अवधि पर्यंत उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं होती, सिवाय तब जबकि असामान्य अथवा क्रांतिकारी हालात हो। इसलिए वे वक्र सी की ढलान तथा स्थिति को निर्धारित करते हैं जो कि अल्पकाल में पर्याप्त स्थिर रहता है। इसके बाद हम देखेंगे वस्तुपरक तत्व क्या है। तो वस्तुपरक तत्व आर्थिक व्यवस्था के बहिर्जात अथवा बाहरी होते हैं, इसलिए उनमें तेजी से परिवर्तन हो सकते हैं और वे उपभोग फलन जिसे वक्र सी भी कहते हैं में महत्वपूर्ण विचलन ला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, मुद्रा का विनिमय के क्षेत्र में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर यहाँ पर पहला है, मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर करके विनिमय को सुगम बनाया है। इसके बाद दूसरा है, मुद्रा मूल्य संयंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म की आधारशिला है जिसके द्वारा समस्त आर्थिक निर्णय निर्देशित होते हैं। तीसरा है, मुद्रा द्वारा विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का भुगतान करना सरल तथा सुविधाजनक हो गया है। मुद्रा के कारण ही भावी सौदे संपन्न होने लगे हैं। चौथा है, मुद्रा के आविष्कार के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असतत वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग का श्रेय भी मुद्रा को ही दिया जाता है। पांचवा है, वर्तमान समय में साख मुद्रा का विशेष महत्व है जबकि साख का सृजन एवं उपयोग मुद्रा पर ही आधारित है। तो ये सभी महत्व थे मुद्रा के विनिमय के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा संस्फीति में अंतर बताइए। तो इनमें कुछ अंतर होते हैं जिनमें पहला है, मुद्रा स्फीति के परिणाम स्वरूप मूल्यों में अनियंत्रित वृद्धि होती है और जनता पर महंगाई का बोझ पड़ता है, जबकि मुद्रा संस्फीति से मूल्यों में
धीरे धीरे केवल आंशिक वृद्धि होती है जिससे कीमतें सामान्य मूल्य स्तर पर आ जाएं। दूसरा है मुद्रा संस्फीति जानबूझकर नीतिबद्ध रूप में की जाती है, इस प्रकार यह सर्वदा ऐच्छिक होती है, जबकि मुद्रा स्फीति प्राकृतिक तथा ऐच्छिक दोनों प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्राय मुद्रा स्फीति ज्वाला के सदृश बढ़ती है जिसे रोकना कठिन होता है। तीसरा है मुद्रा संस्फीति की नीति उस समय अपनाई जाती है जब मुद्रा संकुचन अपनी चरम सीमा पर होता है, जबकि मुद्रा स्फीति प्राय विशेष परिस्थितियों में स्वतः ही विकराल रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार मुद्रा संस्फीति पर तो केंद्रीय बैंक सरकार आदि का नियंत्रण रहता है, परंतु मुद्रा स्फीति पर नहीं। मुद्रा संस्फीति अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार की ओर ले जाती है, जबकि मुद्रा स्फीति पूर्ण रोजगार से ऊपर यानी असंतुलन की ओर ले जाने वाली होती है। नेक्स्ट यहाँ पर गतिहीन स्फीति के कोई दो प्रमुख कारण लिखे, तो इसके दो प्रमुख कारण है। पहला, प्रतिबंधित आपूर्ति, समग्र पूर्ति के घटने पर उत्पादन में रोजगार गिर जाते हैं और कीमत स्तर बढ़ जाता है। पूर्ति का घटना श्रम पूर्ति के प्रतिबंधित हो जाने पर भी हो सकता है। कभी कभी सुदृढ़ श्रम संगठन मुद्रा मजदूरी बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, अथवा सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी जाती है, अथवा कर की दरें बढ़ जाती है। मजदूरी बढ़ने पर कर्मचारियों के काम करने के प्रयास घट जाते हैं। दूसरे, वस्तु बाजार में मांग में वृद्धि, यानी श्रम की मजदूरी बढ़ने पर श्रम लागत बढ़ जाती है और फर्मों को विवश होकर उत्पादन और रोजगार घटाना पड़ता है। इसके फलस्वरूप वास्तविक आय और उपभोग व्यय घट जाते हैं, किंतु वास्तविक आय की तुलना में उपभोग कम घटता है, जिससे वस्तु बाजार में मांग बढ़ जाती है, फलस्वरूप कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मुद्रा बाजार के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या मत है, संक्षेप में लिखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस एंड वर्किंग नामक प्रकाशन के अनुसार एक मुद्रा बाजार मुख्यतः अल्पकालीन प्रकृति वाली मौद्रिक परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय केंद्र होता है। यह ऋण प्राप्तकर्ताओं की अल्पकालीन आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है और ऋणदाताओं को तरलता या नकद द्रव्य यानी कैश प्रदान करता है। यह वह स्थान है जहाँ वित्तीय एवं अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों की अल्पकालीन विनियोग योग्य अतिरिक्त पूंजी को ऋण चाहने वाली संस्थाओं, व्यक्तियों तथा सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यापार चक्र क्या होता है, या हार्ट्रे का व्यापार चक्र सिद्धांत संक्षेप में लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो याद करके जाना है। हार्ट्रे के अनुसार व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, अर्थात व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में मौद्रिक साम्य के भंग होने से उत्पन्न होती है। वास्तव में व्यापार चक्रों की उत्पत्ति अर्थव्यवस्था में आय और व्यय के चक्रीय प्रभाव में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा में समय समय पर होने वाली कमी बेशी के कारण ही अर्थव्यवस्था में चक्रीय उच्चावचन आते हैं। हार्ट्रे की राय में मूलतः मुद्रा और बैंक स्टॉक की अस्थिरता ही व्यापार चक्र के उत्तरदायी हैं। जब बैंक ब्याज की दर घटाकर साख मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो व्यापारी अधिकाधिक मात्रा में बैंकों से ऋण लेकर अपने वस्तु भंडारों में वृद्धि कर देते हैं। मांग बढ़ती है, उत्पादक उत्पादन में वृद्धि करने लगते हैं, जिससे उत्पादन साधनों की मांग बढ़ जाती है। साधकों की पुरस्कार दरें बढ़ती हैं, रोजगार में वृद्धि होती है, जनता की क्रय शक्ति बढ़ती है और परिणाम स्वरूप प्रभावपूर्ण मांग बढ़ जाती है। इससे अर्थव्यवस्था समृद्धि की ओर अग्रसर होने लगती है। अर्थव्यवस्था जब समृद्धि के शिखर बिंदु की ओर बढ़ रही होती है, तभी अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। जब तक व्यापारियों को बैंकों से कम ब्याज की दर पर ऋण सुविधाएं मिलती रहती हैं, अर्थव्यवस्था उन्मुख चक्र की ओर गतिशील रहती है, परंतु बैंकों की ऋण देय क्षमता की एक सीमा होती है। इस सीमा पर पहुंचकर वे ब्याज की दर बढ़ा देते हैं, व्यापारियों को नए ऋण देना बंद कर देती है, हाँ पुराने ऋणों को वापस मांगना आरंभ कर देते हैं। बैंकों की साख नीति में उत्पन्न यह आकस्मिक परिवर्तन संकट उत्पन्न कर देता है। व्यापारी अपना माल तेजी से बेचना शुरू कर देते हैं, पुराने ऑर्डर्स रद्द कर देते हैं, परिणाम स्वरूप उत्पादक उत्पादन घटा देते हैं, निवेश घटने लगते हैं, उत्पादन साधनों की मांग कम हो जाती है, बेरोजगारी फैलने लगती है, आय का स्तर घट जाता है, बिक्री की मात्रा भी कम हो जाती है, कीमतें गिर जाती है, लाभ का स्तर कम हो जाता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर होने लगती है। तो इसे ही व्यापार चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, बैंक दर क्या है। तो स्टॉक नियंत्रण के अंतर्गत बैंक नीति प्रारंभ से ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रही है। बैंक दर को केंद्रीय बैंक की बट्टा दर या पुनः बट्टा दर भी कहा जाता है। वस्तुतः यह ब्याज की वह न्यूनतम दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को पुनः भुनाने या स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण तथा
अग्रिम देने की सुविधा प्रदान करता है। कुछ देशों में इसे कटौती दर भी कहा जाता है। यह कटौती दर अथवा बैंक दर बाजार दर से भिन्न होती है। इस प्रकार बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनः बट्टा दर है और बाजार दर वाणिज्य बैंक की बट्टा दर है, यानी वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्य बैंक व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को साख सुविधाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मुद्रा बाजार की कोई दो परिभाषाएं लिखी है, तो इसका उत्तर है डॉक्टर चाको के अनुसार है, मुद्रा बाजार एक ऐसा संयंत्र है जो कि उधार लेने वालों को ऋण उपलब्ध कराता है तथा उधार देने वालों को द्रव्य लगाने हैं तो अवसर प्रदान करता है। गेल्डर हेलर तथा शिपमैन के अनुसार मुद्रा बाजार वह केंद्र है जहां अल्पकालीन पूंजी की मांग एवं पूर्ति का परस्पर समायोजन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय मुद्रा बाजार की कुछ विशेषताएँ लिखी हैं, तो इसके यहाँ पर कुछ विशेषताएँ दी गई हैं। पहली है यहाँ पर भारतीय मुद्रा बाजार के दो भाग हैं, संगठित और असंगठित, किंतु इन दोनों में से किसी प्रकार का संपर्क वे सहयोग नहीं है। दूसरे भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित भाग में बड़ी बड़ी मिश्रित पूंजी वाले बैंकों के अतिरिक्त अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं भी पाई जाती हैं। ये संस्थाएं उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। तीसरा है देश में विकसित बिल बाजार का लगभग पूर्ण अभाव है। चौथा है भारतीय मुद्रा बाजार के असंगठित भाग पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। पाँचवा है भारतीय मुद्रा बाजार में बट्टा ग्रहों का पूर्ण अभाव है। छठा है भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग अंतर बैंक मुद्रा बाजार है। तो ये कुछ विशेषता है भारतीय मुद्रा बाजार की। नेक्स्ट यहाँ पर मुद्रा परिमाण सिद्धांत के समीकरण बताइए। तो मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन के फलस्वरूप कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को समीकरण के रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा रही है। समय के साथ साथ समीकरण का स्वरूप भी बदलता रहा है। इसका प्रथम समीकरण यहाँ पर P इक्वल टू एम अपॉन टी, जहाँ P होता है सामान्य मूल्य स्तर, M होता है देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा तथा T होता है देश में व्यापार की मात्रा। इस समीकरण में मुद्रा की चलन गति को स्थान नहीं दिया गया था, अतः कुछ समय उपरांत मुद्रा की चलन गति को भी शामिल किया गया, जिससे समीकरण का निम्नांकित रूप हो गया। तो इसका द्वितीय समीकरण यहाँ पर दिया गया है P इक्वल टू एम वी अपॉन टी, और यदि t को p के पास लाया जाए तो pt इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर mv, जहाँ v इक्वल होता है मुद्रा की चलन गति। ये समीकरण भी अधूरी थी क्योंकि इसमें साख मुद्रा को सम्मिलित नहीं किया गया था, अतः प्रोफेसर फिशर ने संशोधित समीकरण को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया। इसका संशोधित समीकरण है mv प्लस एम डैश वी डैश इक्वल टू pt, और यदि हम यहाँ से P से T को हटाकर उस साइड भेज दें तो यहाँ पर हो जाएगा एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन में चला जाएगा T, जहाँ पर M बराबर होता है मुद्रा की कुल मात्रा, V होता है मुद्रा की चलन गति, M डैश होता है साख मुद्रा की कुल मात्रा, V डैश होता है साख मुद्रा की चलन गति, और T बराबर होता है वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा तथा P बराबर होता है मूल्य स्तर। तो ये मुद्रा परिमाण सिद्धांत के समीकरण थे, आपको इन्हें याद कर लेना है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।